पिछले वीडियो में हमने इच के बारे में बताया था। इच जब दो सिंग नाम के पहले आ जाता है तो सिंगल सब्जेक्ट की तरह काट करता है, सिंगल वर्ब लेता है। आज हम आप लोगों को आइदर के बारे में बताने जा रहे हैं। तो हम लोग सिंटैक्स का एक नियम, जो नियम आज बताने जा रहे हैं, पहला नियम है कि आइदर इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इट फंक्शंस एज अ सिंगल सब्जेक्ट, सो इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, बिकॉज द फर्स्ट रूल ऑफ सिंटैक्स इज द सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स ए सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स ए प्लूरल वर्ब। इसका मतलब हुआ कि आइदर इज यूज, आइदर का प्रयोग हुआ रहता है सब्जेक्ट के रूप में, आइदर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हुआ रहता है, तो इट फंक्शन से सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर की तरह काम करता है, इसीलिए यह सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे एग्जाम्पल पर हम लोग आते हैं, देयर आर टू पेंस हियर, यहाँ पे दो कलम है, एंड आइदर राइट्स वेल, और दोनों राइट्स वेल, दोनों से अच्छा लिखा जा सकता है, दोनों अच्छा लिखता है। तो आइदर का जहाँ भी प्रयोग हो जाएगा, तो आइदर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए सिंगुलर वर्ब भी लेता है। दिस इज द मेन रीजन वी राइट राइट्स वेल, मतलब आइदर राइट्स वेल, दोनों में से कोई एक, आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पे दो पेन है, दोनों में से कोई एक अच्छा लिखता है। इसका मतलब कि आइदर का प्रयोग जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में रहता है तो इट फंक्शन से सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर वर्ब की तरह काम करता है, सो इट टेक्स ए प्लूरल सिंगुलर वर्ब, इसीलिए हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, क्योंकि द फर्स्ट रूल ऑफ सिंटैक्स इज सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेता है। तो आइदर का प्रयोग जहां भी सब्जेक्ट के सेंटेंस के रूप में हुआ रहता है, बीच में आता है, तो आइदर के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है को, और सिंगुलर वर्ब लेता है। अगला नियम है कि, और दूसरा एग्जांपल है कि देयर आर टू पेंस रूम्स हियर, यहां पे दो रूम है एंड आइदर इज वेंटिलेटेड, और दोनों ही आपका वेंटिलेटेड मतलब हवादार है। अगला नियम पे आते हैं, आइदर प्लस सिंगुलर कांजेबल आन, इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे, इस तरह का आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाई दे, आइदर प्लस सिंगुलर कांजेबल आन, आइदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिखाई दे, मतलब कि आइदर आए और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब कि जिसको गिना जा सके, जो एक ही हो। इज यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, इट फंक्शंस एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो इट टेक्स ए प्लूरल वर्ब, मतलब आइदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन सब्जेक्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में रहता है, तो इट फंक्शंस एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, या किसकी तरह काम करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है, इसीलिए यह सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो सिंगुलर वर्ब मिलेगा इसीलिए। तो हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं, आइदर पेन राइट्स वेल, आइदर पेन आ गया, यहाँ पे आइदर आ गया, और पेन सिंगुलर काउंटेबल आन, पेन को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, चूंकि आइदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल आन सब्जेक्ट के सेंटेंस के रूप में आता है, सिंगुलर की तरह काम ही करता है, यही कारण है कि हम लोग आइदर पेन राइट्स वेल, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब।